बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है एक बेटा रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर है। हिंदी में बात करें एक बेटा बगीचा है आयताकार जिसका क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है। अब आपसे कहा है उसकी लेंथ लंबाई कितनी है 50 मीटर, तो बेटा उसकी ब्रिथ क्या होगी, उसकी चौड़ाई क्या होगी। हमें क्या निकालना है, हमें बेटा बी निकालना है, हमें बेटा चौड़ाई निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रिथ। ठीक है, एरिया कितना दिया है 300, तो इधर 300 आ गया। इक्वल की जगह बेटा इक्वल, लेंथ कितनी दी है, लेंथ आपको दी है 50। ठीक है, बी चौड़ाई तो निकालना है, तो बी की जगह बी ही लिख दो। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा ये 300, अब बेटा 50 मल्टीप्लाई में है, मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो बच्चों डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, और इस बी की जगह बी। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसल, क्या आया बेटा 30/5 इक्वल टू बी। बेटा ये 5 के टेबल से कैंसल हो जाएगा, कर देते हैं 5 × 5, 5 × 6 = 30। बी कितना आया बेटा, बी इक्वल टू आया 6 मीटर। उस बगीचे की चौड़ाई कितनी है 6 मीटर। आपको इस क्वेश्चन में कहा है एक बेटा पीस ऑफ लैंड है, भूमि का छोटा सा टुकड़ा है जिसकी बेटा लेंथ 500 मीटर है और बेटा ब्रिथ 200 मीटर है। ठीक है, ये जो लैंड है बेटा इसमें छोटी छोटी सी टाइल्सें लगाई हैं। ठीक, और बेटा उस टाइल्स को लगाने का रेट उन्होंने कहा है 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर, मतलब हर 100 मीटर स्क्वायर के बेटा 8 रुपए लगेंगे, ये उन्होंने कहा। तो बेटा क्वेश्चन में पूछा है इस पूरी लैंड पे यदि टाइल्स लगाएं तो टोटल खर्चा कितना होगा, कॉस्ट कितनी आएगी, लागत कितनी आएगी, व्यय कितना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, लागत का फॉर्मूला होता है बेटा रेट मतलब दर और एरिया ऑफ लैंड जमीन का क्षेत्रफल। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो शुरुआत करने से पहले आप समझना बेटा लैंड कैसी है, तो रेक्टेंगल बोला है, कैसी है रेक्टेंगल, ठीक है आयताकार है, तो उसका एरिया होता है एल इंटू बी, लैंड इंटू ब्रिथ। ठीक है, अब हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, रेट उन्होंने दिया 8/100, ये लिखा, एरिया ऑफ लैंड मतलब क्या, लेंथ इनटू ब्रिथ, ये बेटा 8/100, लेंथ कितनी है बेटा 500, ब्रिथ कितनी है बेटा 200, जीरो दो है नीचे उससे बेटा ये जीरो कैंसिल करें, ये बच्चों 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1000, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना है बेटा 8000। टोटल कॉस्ट होगी टाइल्स लगाने की, आपको इस क्वेश्चन में टेबल की लेंथ दे रखी है और बेटा टेबल की ब्रिथ दे रखी है। आपसे कहा है टेबल बेटा रेक्टेंगल है, आयताकार है, आपको बेटा उसका एरिया निकालना है, आपको बच्चों उसका क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहली बात आप ध्यान दो, लेंथ 2 मीटर है और ब्रिथ बेटा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें बेटा इसे सेम यूनिट में बदलना होगा, फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब ध्यान देना बेटा 1 मीटर, ठीक है, तो ये 1 मीटर
और क्या है 50 सेंटीमीटर, तो प्लस 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये मीटर में है, इसे मीटर में ही रहने देते हैं, ठीक। अब बेटा इस 50 को 50 × 1 मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, ये 1 मीटर, ये 50, 1 सेंटीमीटर को बेटा आप यहां से 1/100 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेटा सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को हमने लिखा 1/100 मीटर। 0 से 0 कैंसल, 5 × 5, 5 × 2 = 10, कितना आया बेटा, ये आया 1 मीटर, तो आपका ये रहा, ये प्लस ये क्या है बेटा 1/2 मीटर, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 0.5, लिख सकते हो, लिख दिया मैंने, और ये मीटर, ठीक। अब दोनों को जोड़ो, कितना आएगा 1.5 मीटर, ठीक है। ये क्या मिली बेटा हमें, ब्रिथ मिल गई, ठीक। अब बेटा इसका यूज करेंगे और इस फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे। इधर देखो, एरिया निकालेंगे, लेंथ बेटा कितनी है 2, है ना, और ब्रिथ आपने निकाली 1.5, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल तरीके से कर देते हैं, 15 का बेटा 2 में मल्टीप्लाई, 15 × 2 = 30, 30 आया, ठीक है। पॉइंट कहाँ लगाओगे बेटा, पॉइंट इधर देखो, यहाँ से पता चलेगा, पॉइंट बेटा एक नंबर के बाद लगा है, सॉल्यूशन में भी बेटा एक नंबर के बाद लगा दो, तो 0 को छोड़ो, एक नंबर छोड़ा, पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया, सॉल्यूशन क्या आया बेटा, ये कह सकते हो आप इसे 3 मीटर स्क्वायर, ये क्या है बेटा, एरिया की यूनिट।